विशेष शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुंजिया। देखिए किस तरीके से बनाई है बिना किसी ड्राई फ्रूट के। फ्रेंड्स, गुंजिया बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है और मैदा भी मेरी अंदाजे से और मोयन का, जैसे मैंने बताया है आपको मुट्ठी बन जानी चाहिए उतना घी डालते हैं। और वैसे एक किलो में हम 200 से 250 ग्राम के बीच में घी इस्तेमाल करते हैं। ये सूजी लिया थोड़ा सा ताकि उसका जो गीलापन चीनी का निकलता है गुंजिया के अंदर उसको बाहर ना आने दे और सोख ले। ये पिसा हुआ बूरा है या चीनी है और ये मैं नारियल का बूरा दे के बनाऊँगी आज। और ये मैं मावा यूज़ कर रही हूँ, ये बाजार का मावा है। पहले हम मैदा का डो लगा लेते हैं, उसके बाद हम स्टफिंग तैयार करते हैं। पहले घी को अच्छे से मिला लेते हैं, देखते हैं हमारा घी सही है या नहीं है और हमारी मुट्ठी बन रही है ना बन रही है। इस तरीके से हमारी मुट्ठी बन जानी चाहिए। अब हम इसमें पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है। अब इसको हम ढक करके रख देते हैं और हम दूसरी साइड हम स्टफिंग तैयार करते हैं। पहले थोड़ा सा मावा फूल लेते हैं क्योंकि बाजार का मावा है, इसलिए इसको मैं भूलूँगी। और कभी कभी मार्केट का कभी कभी लोग बनाते हैं तो वो अच्छा भून करके बनाते हैं तो उसको अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसको भूनने की हमें ज़रूरत है। अभी तक एक दो बार जो रेसिपी मैंने आपको शेयर की है ज़्यादातर घर के मावे की ही की है। आज ये बाजार के मावे की गुंजिया बना रही हूँ। बस इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम सूजी को भून लेते हैं। सूजी भी हमारी भुन गई है, इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। एक ही प्लेट में निकालते जाएंगे सब चीज़ों को। इसी कढ़ाई में लो फ्लेम पर थोड़ा नारियल को भून लेंगे। हम फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं लेकिन मेरे पास नारियल का बुरादा था और नारियल के बुरादे की गुंजिया बहुत अच्छी बनती है, ड्राई फ्रूट से भी अच्छी बनती है और सब तरह का खाना चाहिए जो घर में अवेलेबल हो। इसलिए मैं आज में जो बच्चों का मन है वो गुंजिया बना रही हूँ विदाउट ड्राई फ्रूट। चलिए ये भी भुन गया, इसको हम परात में निकाल लेते हैं। अभी मावा, सूजी और नारियल हमने मिक्स कर लिया और इसके अकॉर्डिंग हम मीठा मिला लेंगे। जितना मीठा आपको पसंद है उतना मिलाइए। तो ये हमारा स्टफिंग रेडी है। तो देख, आप बिना ड्राई फ्रूट के भी गुंजिया बना सकते हैं। इस तरीके से इसको अच्छे से दबा के भर लें। डिज़ाइन बनाने के बहुत से तरीके हैं और इस तरीके से उठाइए और इसको फोल्ड करते जाइए और दबाते जाइए, फोल्ड करते जाइए, दबाते जाइए, फोल्ड करते जाइए, दबाते जाइए, फोल्ड करते जाइए, दबाते जाइए, ये आपका डिज़ाइन बन जाएगा। एक और बताती हूँ, मशीन से ही बनती है तो लेकिन साइड का उसमें वेस्ट चला जाता है, फिर उसको दोबारा से करना पड़ता है। मैं ज़्यादातर हाथ से ही बनाती हूँ। एक डिज़ाइन और बताती हूँ आपको, देखते रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। एक डिज़ाइन है, ऐसे कट लगा लीजिए और कट लगाने के बाद में इसको इस तरीके से डिज़ाइन बनाते जाइए उठा करके और इसका डिज़ाइन बनता जाएगा। इसको प्रेस करते जाइए इस तरीके से, इसके किनारे डिज़ाइनर बन जाएंगे। इस तरीके से अगर डिज़ाइन पसंद है तो इस तरीके से बना लीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है,
एक डिज़ाइन ये हो गया। इसी तरीके से हम सारी गुंजिया बना करके फ्राई कर लेंगे। हमारी गुंजिया भर करके रेडी हैं, अब इन्हें सेकना शुरू करते हैं। ये सारी गुंजिया मेरी सिक चुकी हैं, ये देखिए, और एक भी गुंजिया मेरी फूटी नहीं है, बिल्कुल बराबर बनी है। और थोड़ी सी मेरे पास चाशनी पड़ी हुई है गुलाब जामुन की, थोड़ा सा मैं चाशनी में डिप कर दूंगी। और जो इसमें डिप हो जाएगी, तो चाशनी मेरी रखी थी, और कम मीठा लगे तो चाशनी वाली गुंजिया आप बना सकते हैं अलग से भी, और मेरे पास रखी थी तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।